हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जितेंद्र सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह। क्या बात है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोटरोला एज प्लस। हाल ही में मोटरोला ने अपना एक मोबाइल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम मोटो एज और मोटो एज प्लस है। इसमें मोटो एज प्लस हायर रेटिंग है, इसमें हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर मिलता है, साथ ही में हमें 6.7 की FSD प्लस वाली ड्यूल कर्व डिस्प्ले मिलती है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी आता है। इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिसमें 3 ऑप्टिकल जूम का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें हमें एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलता है। इसमें हमें और 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो काफी मस्त रहेगी, जो कि 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। साथ ही में 15 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें हमें UFS 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में हमें LPDDR5 का सपोर्ट भी मिलता है। आइए इसकी कुछ खास जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। डिस्प्ले इसकी 6.7 FSD प्लस ड्यूल कोर डिस्प्ले आती है। प्रोसेसर इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865, कैमरा इसका 108 प्लस 16 प्लस 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल आएगा। बैटरी आएगी 5000 mAh विथ 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग विथ 15 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग के साथ। प्राइस इसके आएगा 60,000 के आसपास रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। आपको ये मोबाइल कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं।